हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। जीजे यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड डिग्री कॉलेजेस के जितने भी स्टूडेंट हैं भाई, उनको मैं बता दूं, उनकी जो डेट शीट है वो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुकी है। तो आप लोगों के एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होंगे वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं या डाउट आ रहे हैं, वो यही आ रहे हैं कि जो हमारे एग्ज़ाम होंगे उनका मोड क्या रहने वाला है, ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। उसके अलावा भाई, अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जो भी मैं वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो भाई, यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को गूगल के ऊपर JJU टाइप करना है। जैसे ही ऑफिशियल साइट ओपन होगी, कुछ इस तरह से होम आ जाएगा। होम आने के बाद आप लोगों को यहाँ पर एग्जामिनेशन के ऊपर क्लिक करना है। एग्जामिनेशन के ऊपर भाई, आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा डेट शीट, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, आपके सामने ये डेट शीट आ जाएगी भाई। तारीख देख सकते हो 14/12/21, तीन डेट शीट यूनिवर्सिटी की तरफ से आज साइट के ऊपर अपलोड की गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेट शीट है वो है UG प्रोग्राम फॉर एफिलेटेड डिग्री कॉलेजेस, उसके बाद PG प्रोग्राम फॉर एफिलेटेड डिग्री कॉलेजेस, और जो थर्ड डेट शीट है भाई, थ्योरी डेट शीट फॉर UG एंड PG प्रोग्राम फॉर एफिलेटेड लॉ कॉलेजेस। तो ये तीनों डेट शीट यूनिवर्सिटी ने आज ही साइट के ऊपर अपलोड की है। तो सबसे पहले आप PG की देख लेते हैं कि इनके जो एग्ज़ाम है वो कब से स्टार्ट होंगे। तो PG के एग्ज़ाम भाई यहाँ पर देख सकते हो आप, MSc के हैं बायोटेक्नोलॉजी के 10/2 यानी कि 10 फरवरी से, उसके बाद MSc ज्योग्राफी के भी 10 से हैं। तो ऑन एन एवरेज मान सकते हो भाई, जितने भी PG के कोर्सेज़ हैं उनके जो एग्ज़ाम है वो 10/2 से स्टार्ट हैं, ठीक है। उसके बाद अपन नेक्स्ट कोर्स के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट कोर्स लॉ देख लेते हैं, लॉ वालों के कब से स्टार्ट होंगे। डाउनलोड हो रही है भाई ये लॉ वालों के पेपर भाई, 27/1 यानी कि 27 जनवरी से स्टार्ट है। देख लेना, यहाँ पर ऊपर नेम मेंशन है और जो नीचे आप लोगों की जो डेट शीट है वो है, ठीक है, सारी चीज़ देख लेना। अब बात करते हैं अपन UG वालों की, जो डेट शीट है उनके एग्ज़ाम कब से हैं। आई थिंक नेट स्लो हो गया भाई। ये रही भाई UG के जो एग्ज़ाम है ये आप लोगों के 27 तारीख से हैं, ठीक है। ये कोर्स मेंशन है BA BCom जर्नल ऑनर्स फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर बोथ लैंग्वेजेस, ठीक है। तो आप लोग अपने कोर्स के अकॉर्डिंग देख सकते हो, BBA के फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ के भी 27 से हैं। तो ऑन एन एवरेज भाई आप लोगों के जो एग्ज़ाम है 27, 28 और 29 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। 27, 28 और 29 जनवरी से आप लोगों के जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है कि जो हमारे एग्ज़ाम होंगे उनका मोड क्या रहने वाला है, वो ऑनलाइन मोड में होंगे या ऑफलाइन मोड में होंगे। तो भाई मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, जो आप लोगों के एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड में लिए जाएंगे। आई रिपीट, जो आप लोगों के एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड में लिए जाएंगे। अब ये मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ, तो मैंने भाई पता किया है, पता करने के बाद ही आप लोगों को बता रहा हूँ। उसके बाद देखो भाई, यहाँ पर स्पेशली इंस्ट्रक्शन मेंशन है। फर्स्ट तो क्वेश्चन पेपर वाली है भाई, देखो, ऑन गेटिंग ए क्वेश्चन पेपर एंड बिफोर आंसरिंग इट, इफ़ कैंडिडेट द कैंडिडेट मस्ट चेक अप एंड एन्श्योर दैट दे हैव बीन सप्लाइड विद द कोरेक्ट क्वेश्चन पेपर। इफ़ द क्वेश्चन पेपर इज़ नॉट कोरेक्ट, दे शुड ब्रिंग द सेम टू द नोटिस। जो भी टीचर आप लोगों का ड्यूटी पर होगा उसको बता सकते हो। कंप्लेंट इन दिस रिकार्ड आफ्टर द एग्जामिनेशन सेल नोट भी एक्सेप्टेड एंटर्ड। जर्नली क्या बोला गया, भी सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, तो पहली बात तो यही होगी भाई, जो आप लोगों को क्वेश्चन पेपर है वो फिजिकली दिया जाएगा। तो ये मान सकते हैं ऑनलाइन में भी हो सकता है ये चीज़ें। बट जो फिफ्थ पॉइंट है भाई, ये देख सकते हो, फिफ्थ पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है, द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फॉलो प्रिवेंटिव प्रोटोकॉल ऑफ COVID-19, मेंटेनिंग द सोशल डिस्टेंस, वीयरिंग ऑफ फेस मास्क, कैरी हैंड सैनिटाइजर एंड वाटर बॉटल। तो फिफ्थ पॉइंट से क्लियर हो गया, जो आप लोगों के एग्जाम है वो ऑफलाइन में होंगे। उसके बाद देखो, फोर्थ पॉइंट है, नो एक्स्ट्रा आंसर सीट विल बी प्रोवाइडेड। तो आंसर सीट कहाँ मिलेगी भाई आपको लोगों को, जहाँ ऑफलाइन एग्जाम देने जाओगे वहीं तो मिलेगी आंसर सीट। उसके बाद देखो, एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी ये गैजेट अलाउड नहीं होगा। तो ऑन एन एवरेज मैंने पता किया है, सीट ये जो
डेट शीट है, इसके जो पॉइंट है इसके अंदर भी लिखा हुआ है। और आप लोगों के जो एग्ज़ाम है भाई ऑफलाइन मोड में लिए जाएंगे, आप अपने तैयारी ऑफलाइन एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग कर सकते हो। और लेटेस्ट अपडेट के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और चैनल के ऊपर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स से रिलेटेड आप लोगों की जो वीडियोज़ हैं वो भी प्रोवाइड की जाती हैं, तो एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी।